पर बस तूने ना मेरी आंखें खोल दी हैं, ऐसी की तैसी इन सब बेकरतूतों की। मैं देखती हूँ कौन रोकता है मेरी नूह को बाहर जाके पढ़ने से। शाना, होश से काम लो शाना। चुप करें जमशेद साहब, जाए वहां जाके ना बच्चे के लिए पानी का ग्लास लेकर आए। देखिए कैसे रो रो के आगे चीनी मिनी काट ली है उसने। कौन मैं पानी लेके आऊं? क्यों, आपकी मृदांगी की तोहीन हो जाएगी अगर आप एक लड़की के लिए पानी ले आएंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, बहू नहीं है बेटी है मेरी, इसके बारे में मैं ऐसा सोचूंगा? कमाल करती हूँ तुम भी शाना। तो फिर ठीक है, जाए ठंडा ग्लास पानी का लाना, इसे पिलाए, हौसला दें। और वो जो आपका पुत्र है ना बांदर, मैं जाके जरा उसका किबला दुरुस्त करके आते पासे हुए। लगता है निकाह करवा के ज्यादती करवा ली मैंने अपने साथ। क्यों? तुम लिफ्ट ही नहीं करवाती यार, जालिम बीवियों की तरह। असल जुम्म तो अरसल जैक साथ कर रहा है। उसने वैसे खामखा की जिद लगाई रखी हुई है, जब एक चीज नहीं पसंद अरसल को तो छोड़ दे अपनी जिद। तुम्हें क्या लगता है? लेकिन शरीफ, अरसल को शादी से पहले कोई कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए थी ना? ऐसे फिर उस बेचारे की भी तो अपनी मजबूरी है यार, वो भी जिया से उतनी मोहब्बत करता है जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह जी हैं यहाँ पे बैठ के प्यार की बातें हो रही है, कर लो जी कर लो, बाद में तो तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ अड्डे ही लेने हैं अरसल और जिया की तरह। क्या हुआ हुमायूं जान? भाई वो अरसल है ना वो खोचल, खाम खा उसने फसूली डाली हुई है जिया बेचारे को। भाई अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता कि घर बैठे बिठाई ऐसी सोनी कुड़ी मिल गई है ना सोनी? जी जी बिल्कुल, देवदास बना हुआ, बड़ा शौक हो रहा है नकली फिल्मी हीरो बनने का। मैं ना जाके इसकी हड्डियां तोड़ती हूँ। कौन अरसल? हाँ ना, याद नहीं है ब्याह से पहले कैसे देवदास बना फिरता था, है कितनी फसूली पड़ी हुई थी, और अब जिया को फसूली डाली हुई है, सारे घर में ढूंढ के आई हूँ, है कहाँ पे? अभी थोड़ी देर पहले आए थे, नायमा मायूं जान के कमरे से निकला था। देखा ना, मीसना नजाकत और नीमा को तीलियां लगा रहा होगा जिया के खिलाफ। जाके ना इसके पे चांद परेड करती हूँ, तुम लोग शुरू करो।